अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना ब्लॉग से आमना। आज मैं बना रही हूँ देसी चिकन कढ़ाई जो कि बिल्कुल बाजार जैसी होगी। मैंने सबसे पहले ऑयल में प्याज काट के डाल दिया है, एक मीडियम साइज़ का प्याज था और उसके अलावा थोड़ा सा ऊपर और डाला है क्योंकि मुझे कम लग रहा था। उसके अलावा मैंने सबसे पहले यहाँ पर चिकन को यखनी बना ली थी क्योंकि ये देसी चिकन है, ये ज़रा गलता देसे है। इसको मैंने थोड़ा सा इतना रखा है जितना कि ये जल्दी से गल ले। सिर्फ इसको मैंने 10 मिनट के लिए गलाया है, इसके बाद ये बाकी जितना कुक होगा वो इसी कढ़ाई में कुक होगा। इस तरह देसी जो चिकन है वो गलता नहीं है जल्दी, तो मैंने इसको पहले ही थोड़ा सा कुक कर लिया था जो ये अच्छी तरह कुक हो जाता है। इसके बाद मैंने अब अपनी कढ़ाई की रेसिपी की तरफ आती हूँ। अब मैंने इसके अंदर प्याज फ्राई करना है, ये अच्छा सा जब गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा तो बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करूँगी। अब ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक की पेस्ट। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो चिकन मैंने पहले ही बॉइल करके रखा हुआ है, उसे मैं ऐड करने लगी हूँ। मैं इसमें यखनी ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ जो चिकन मैंने बॉईल किया है उसकी यखनी बना ली थी मैंने, वो ही इसमें ऐड करना है। अब यहाँ पर मैंने इसमें टमाटो की पहले ही यहाँ पर अब ये अच्छा सा कुक होना शुरू हो गया है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर तो जो मैंने ग्राइंड कर लिए थे और इनका छिलका उतार लिया था। यहाँ पर मैं इसमें ऐड करने के बाद इसे 2 मिनट कुक होने दूंगी। इसका फ्लेवर आपको बिल्कुल ऐसे ही आएगा जैसे आप रेस्टोरेंट स्टाइल में देसी चिकन कढ़ाई खाते हैं। आप इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइए। अब मैंने इसकी आंच थोड़ी सी खोल दी है ताकि ये जल्दी से अच्छा सा कुक हो। यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी अपने मसाले। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून दादर मिर्च, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि मैंने यखनी में भी डाला था, और 1 टीस्पून ही सूखा धनिया पाउडर। तो मैंने सारे मसाले, अब यहाँ पर मैंने सारे मसालों को ऐड करके एक जैसा कर लिया है। यहाँ पर चिकन को फिर मैं 2 से 3 मिनट इसके अंदर भूनूंगी। यहाँ अब ये जिस तरह कुक हो रहा है इसी में यहीं पर यहाँ मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड की हैं ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट आएगा हरी मिर्चों का भी। इसी बुनाई में मैं इसका जो सूप बनाया था मैंने थोड़ा सा वो ऐड करूँगी ताकि ये लगे ना, और जितना है उसमें ये थोड़ा सा कुक भी हो, साथ साथ भूनना है इसको। यहाँ पर इस तक मैं इसमें यहाँ मैंने सारे मसाले तो ऐड कर दिए थे, यहाँ पर इस स्टेज पर मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी जिससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ज़ीरा पाउडर डालने से कढ़ाई की जो फ्लेवर है वो टेस्ट उसका बहुत अच्छा आता है। अब इसे मैं 2 मिनट के लिए भूनूंगी, 2 से 3 4 मिनट के लिए भून के मैं इसको डिश आउट कर दूंगी क्योंकि हमारा चिकन पहले से भी